बच्चे, आज हम लोग बातचीत करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जेनेटिक्स है क्या, और जेनेटिक्स में क्या-क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। और सबसे पहली बात कि जेनेटिक्स जो है उसमें हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पेरेंट्स से मिला तो वो कैसे आया, किसके माध्यम से आया, कैसे वो कैरी हुआ, हमारा कैरेक्टर कैसे वो मैच कर रहा है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक्स है क्या? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में हम लोग दो चीज के बारे में बातचीत करेंगे, एक हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन। तो हम लोगों को अब सीखना है कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर जो कैरी होकर के आएगा, दैट पॉइंट इज नोन एज द नेम ऑफ हेरिडिटी। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, किसका ट्रांसमिशन? कैरेक्टर का। कहाँ से? पेरेंट से। किसमें? ऑफस्प्रिंग में। दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब पेरेंट से जो हम लोगों में इंफॉर्मेशन आएगा उसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो अब बात है कि सर अब वेरिएशन क्या होता है। तो देखिए, वेरिएशन में लिखेंगे वेरिएशन में द फॉर्म ऑफ डिग्री बाय विच वी द फॉर्म ऑफ डिग्री बाय विच वी डिफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है कि अगर हम लोग ऑफ स्प्रिंग, मान लीजिए कि अगर हम लोग दो भाई बहन हैं या तीन भाई बहन हो, तो उस केस में अगर हम लोग दोनों भाई बहन अगर पेरेंट्स के सामने खड़े हो जाएं तो एग्जैक्टली तो सिमिलर नहीं दिखेंगे सर। तो पेरेंट्स से हम लोगों में क्या बदलाव दिख रहा है, मतलब कि पेरेंट्स के तुलना में हम लोगों में क्या-क्या बदलाव है, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे कि द फॉर्म ऑफ डिग्री बाय विच वी डिफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट और ऑफस्प्रिंग, यानी ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट से जहां से वो चेंज दिखेगा, दैट इज नोन एज द नेम ऑफ वेरिएशन। तो हम लोग इसमें दो चीज के बारे में बातचीत करेंगे, एक हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन। तो हेरिडिटी समझ चुके हैं कि पेरेंट से हम लोगों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, और वेरिएशन में कि ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट से जहां से वो अलग दिखते हैं उसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। अब इसमें ये पढ़ेंगे कि सर एक्चुअली क्या हम लोग जानते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स के जो फादर हैं उनको हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेंडल साहब से पहले
किसी ने जेनेटिक्स के बारे में पढ़े ही नहीं थे, पढ़े थे लेकिन कुछ डिफरेंसेस थी। एक्चुअली में मेंडल साहब जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे क्वांटिटी बेसिस पे। क्वांटिटी वर्ड का मतलब होता है नंबर। जैसे आप कोई बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो उसमें देखते हैं लिखा रहता है QTN 12 पीसेस, मतलब क्वांटिटी के आधार पे जो एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को बताएं वो मेंडल साहब बताए थे। और इससे पहले भी साइंटिस्ट किए थे लेकिन वो ना क्वालिटेटिवली के आधार पे किए थे। जैसे अगर मान लें कि फ्लावर अगर रेड है तो डार्क रेड है या लाइट रेड है, पिंक है तो डार्क पिंक है या लाइट पिंक है। बट जो मेंडल साहब है उन्होंने सबसे पहले स्टडी किए थे कि अगर फ्लावर रेड है तो हाउ मेनी रेड फ्लावर्स विल बी ऑब्टेन, कितना मतलब कि दिख रहा है क्रॉसिंग के बाद 5, 10, 15, 20, ये क्वांटिटी के आधार पे बताने वाले सबसे पहले मेंडल साहब हैं। तो उसमें हम लोग लिखेंगे कि नेक्स्ट उसके बाद मेंडलिज्म, मेंडल वॉज पर्शियन टू मेक क्वांटिटेटिवली स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब मेंडलिज्म, मेंडल साहब जो हैं वो सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्वांटिटेटिवली स्टडी किए। मैंने आपको भी सिखाया है कि क्वांटिटी वर्ड का मतलब होता है कि नंबर के आधार पे। तो सबसे पहले नंबर के आधार पे जो बताने वाले हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं, और उन्होंने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताए थे। मतलब कि पेरेंट्स से जो हम लोगों में आखिर इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, क्या उसमें बदलाव दिखेगा या सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले ही वर्क्ड ऑन गार्डन पी, इन्होंने सबसे पहले काम किए थे गार्डन पी, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में कहते हैं पाइलोसिटाइन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी साइंटिफिक नेम में दो पार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं यानी जीनस। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, जैसे मेरा नाम अगर गौरव सर है तो पहला आप याद रखेगा कि गौरव सर, तो जी से हम लोग बोल देंगे जीनस। तो साइंटिफिक नेम में जो पहला पार्ट होगा जी से गौरव सर, तो जी से जीनस हो जाएगा। और सेकेंड जो पार्ट होगा उसे हम लोग कहते हैं स्पीसीज। तो किसी भी साइंटिफिक नेम में आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट पार्ट है वो जीनस कहलाएगा और सेकेंड पार्ट को हम लोग स्पीसीज कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो गार्डन पी पे किए थे, तो साइंटिफिक नेम में उसे पाइजम सेटाइबम कहते हैं। तो अब एक मन में बात है कि सर आखिर मेंडल साहब जो हैं वो सबसे पहले गार्डन पी को सिलेक्ट किए, तो क्यों किए, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि वाई मेंडल सेलेक्ट्स गार्डन पी, आखिर मेंडल साहब गार्डन पी को क्यों सिलेक्ट किए। तो देखिए उसके पीछे कुछ कारण है, वो कारण हम लोग सब देखेंगे। पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चंस में कि वाई मेंडल सेलेक्ट्स गार्डन पी, आखिर मेंडल साहब जो है गार्डन पी को क्यों सिलेक्ट किए, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो मेंडल साहब जो गार्डन पी को सिलेक्ट किए हैं तो उसके पीछे तीन कारण हम लोगों को देखने को मिलेगा सर। सबसे फर्स्ट है कि देयर आर सेवन ट्रेट्स एंड 14 कॉन्ट्रास्टिंग forms present on the
सेम प्लान, मतलब कि सेवन ट्रेट और उसका जो 14 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है जो प्रेजेंट होगा आपको सेम प्लांट में सर, ठीक है। तो सर अब सेवन ट्रेट क्या है? ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, अगर ट्रेट का मतलब है तो ट्रेट का मतलब होगा कैरेक्टर। तो सर ये सेवन ट्रेट कौन कौन सा है और उसका कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स क्या क्या होगा, वो चीज़ें हम लोगों को जो है यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्रेट्स और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स मतलब हो गया कि एक ट्रेट जो है वो कितने तरीकों से देखने को मिल सकता है। तो इसमें एक पार्ट हम लोग कहते हैं डोमिनेंट और दूसरा जो पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं रेसेसिव। तो डोमिनेंट का मतलब है कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जैसे कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, यानी आप जैसे देखते होंगे कि जैसे ही होली का जब त्यौहार आने वाला होगा फेस्टिवल, तो उससे ठीक पहले एक कंपनी की प्रचार निश्चित दिखेगी, मतलब जैसे सर्फ एक्सल, वो एकदम बराबर एडवर्टीजमेंट कर देता है कि जो रंग अपनों को करीब लाए, मतलब दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सल, मतलब जो दिख रहा है वही बिकेगा सर, वही बिकता भी है। तो कहने का मतलब है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपियर होगा सर। किसी भी ट्रेड में दो फॉर्म है तो सर आखिर क्रॉसिंग के बाद कौन सा अपियर होगा? तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपियर होगा, रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो अपियर नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो जैसे देखते हैं फर्स्ट जो ट्रेट है वो है लेंथ ऑफ प्लांट। तो पौधे का जो लेंथ होगा तो इसमें आप देखेंगे कि या तो वो टॉल हो सकता है या तो वो ड्वार्फ देखने को मिलेगा, या तो वो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग टॉल है यहां पे ये ड्वार्फ है, तो अगर इस दोनों को क्रॉस कराएंगे तो वन एंड ओनली क्या देखने को मिलेगा? टॉल। क्यों सर? बिकॉज टॉल बिलोंग्स टू डोमिनेंट। अभी आपको सिखाया है ना कि जो चीज दिखता है वही सब बिकेगा। जैसे गर्मी का समय आएगा ना तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि गुलकोंडी का प्रचार दिखना शुरू हो जाएगा सर। वो आप लोग देखते होंगे कि बच्चा खेलते रहता है फील्ड में और सूरज भगवान पाइप लगा के आराम से वो ग्लूकोज पीते रहते हैं, बच्चा एकदम गिर जाएगा, सूरज भगवान बोलेंगे गुलकोंडी, बच्चा एकदम मस्ती से पिया फिर पूरा एनर्जी आ जाएगा सर। ऐसा होता नहीं है, बस वो दिखाने के लिए है। तो कहने का मतलब है कि जो दिखता है वही बिकता है सर। तो कहने का मतलब है कि टॉल और ड्वार्फ अगर क्रॉस करवाएंगे तो यहां पे केवल और केवल टॉल आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड यहां पे कलर ऑफ फ्लावर में पर्पल देखने को मिलेगा, व्हाइट। उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्सियल पे हो गई ये टर्मिनल, ठीक है। यानी फ्लावर का पोजीशन हम लोग देखेंगे या तो वो एक्सियल होगा या तो वो टर्मिनल होगा। फ्लावर देखेंगे कलर कैसा हो सकता है, पर्पल है या तो व्हाइट है। तो ये जो सेवन ट्रेट हम लोग देखेंगे, तो पता है मेंडल साहब जो हैं हर एक ट्रेट को क्रॉस करके देखे थे कि आखिर क्रॉसिंग के बाद कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग फ्लावर का कलर चेक करेंगे तो पर्पल और व्हाइट में पर्पल दिखेगा सर। पोजीशन देखेंगे फ्लावर का एक्सियल और टर्मिनल में क्रॉस करवाएंगे तो एक्सियल वहां पे आएगा। क्यों? दीज ऑल आर बिलोंग्स टू द डोमिनेंट कैरेक्टर। उसके बाद है फोर में आप देखेंगे तो शेप ऑफ पॉड। पॉड का मतलब क्या होता है पता है? फल। जैसे कि मटर है ना, मटर हम लोग छीलते हैं तो वो जो दाना निकालते हैं उसको पॉड कहते हैं। तो शेप ऑफ पॉड अगर पूछे कैसा होगा तो या तो वो इन्फ्लेटेड होगा, ठीक है, और या तो वो कैसा हो सकता है? कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब कि पूरा अच्छा सा मटर होगा, या नहीं तो कहीं से वो एकदम दबा पिचका टाइप से होगा। जैसा नहीं मटर हम लोग छीलते हैं तो बहुत सारा मटर उसमें फ्रेश रहता है, कोई कोई मटर आपको दबा जैसे दिख जाएगा तो वो कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। ये हो गया हमारा फोर ट्रेट और उसका कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। तीन और है वो हम सर आपको बता रहे हैं यहाँ पे।
अब है कि कलर ऑफ पॉड। तो देखिए, मटर को जब आप छीलते हैं तो उसका दाना कैसा दिखता है सर? ग्रीन दिखता है। और जैसे जैसे सीजन थोड़ा सा मटर का अगर जाने लगेगा, तब आप देखिएगा ना, तो उसमें से कुछ कुछ ऐसे होंगे जो येलोविश दिखेंगे। तो मैक्सिमम टाइम कौन दिख रहा है? ग्रीन। तो वही पॉड का कलर अगर डोमिनेंट में लिखेंगे तो हम लोग तो कैसा लिख देंगे? ग्रीन। और इससे में कैसा दिखेगा? येलो सर। और उसके बाद है कि सर शेप ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड कैसा हो सकता है? तो या तो राउंड होगा या तो आपको देखने को मिलेगा रिंकल। उसके बाद सेवन हम लोग देखेंगे तो सीड का सर कलर कैसा हो सकता है? देखिए, यहां पे आपको जो है वह कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे मतलब कि सर सीड और इस केस में पॉड में, तो एक सिंपल तरीका है, जैसे मटर हो गया, तो मटर को आप छीलते हैं तो मैक्सिमम टाइम कैसा दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है ना। तो उस केस में इसका मतलब हो गया कि डोमिनेंट में ग्रीन रखेंगे। ठीक है, और रिसेसिव में कैसा दिखेगा? येलो। तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर सिखाए हैं कि जो मैक्सिमम टाइम दिखेगा उसी को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट। तो कलर ऑफ सीड जब पूछा जाए, यानी कि जब हम लोग सीड अगर लगाएंगे या सीड हम लोग देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। यानी डोमिनेंट में यहां क्या लिखेंगे? येलो। यहां क्या लिखेंगे? ग्रीन। बार बार बता रहे हैं, यहां दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। पॉड है तो मटर याद रखिएगा, जो मटर को हम लोग छीलने के बाद निकालते हैं तो मटर का दाना सर, तो वो कैसा दिख रहा है आपको? ग्रीन। तो वो डोमिनेंट में कैसा हो जाएगा? ग्रीन। और रिसेसिव में ध्यान रखना है कि वो कैसा होगा? येलो। तो सीड में डोमिनेंट में अगर पूछा जाए तो येलो, और ये कैसा हो जाएगा तब रिसेसिव में? ग्रीन। ठीक है, ये फर्स्ट कारण है। सेकेंड और थर्ड कारण जो है हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बता रहे हैं। थैंक यू।